और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूं और बात करूंगी इस वक्त यादव परिवार को लेकर। यादव परिवार का नाम सुन के आपके जहन में आ रहा होगा कि मैं एक बार फिर से मुलायम सिंह के परिवार की बात कर रही हूं, लेकिन फिलहाल मैं अभी बात कर रही हूं बिहार में लालू यादव के परिवार को लेकर। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बीते दिनों जिस तरह से अपनी पत्नी ऐश्वर्या को सोशल मीडिया पर तलाक देने की बात कही थी, उनकी सारी फोटोज को डिलीट कर दिया, कह रहे कि मैं अब सहन नहीं कर सकता हूँ, वो नॉर्थ पोल हैं, मैं साउथ पोल हूँ, हमारी मानसिकता नहीं मिलती है, मैं तलाक देकर रहूंगा और मैं घुट घुट कर नहीं जी सकता, मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं हैं। हालांकि पिता लालू प्रसाद यादव ने बहुत समझाया भी, लेकिन फिर भी तेज प्रताप यादव रोते रोते निकल गए अस्पताल से। और इस वक्त ना वो छठ पूजा में थे, ना अपने परिवार वालों के साथ थे, ना उनके साथ उनके परिवार वाले हैं। वो इस वक्त कहा जा रहा है कि वो वृंदावन में हैं, जहां वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हुए पड़े हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरह तेज प्रताप यादव की शादी और फिर उनकी जो तलाक की खबरों को लेकर मीडिया भी काफ़ी अपनी दिलचस्पी बनाए हुआ है, और ऐसे में अब जो है कई लोगों ने इस पर भी राय जाहिर की है। शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सामने आया था कि अगर मुझे पारिवारिक मित्र के तौर पर या पारिवारिक सदस्य के तौर पर मुझसे राय मांगी जाएगी तब मैं इंटरफेयर करूँगा, वरना मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उसके बाद अब खेसारी लाल यादव ने बयान दिया है, जिनकी हमेशा से लालू प्रसाद यादव को ले यादव के साथ करीबी देखी गई है। उन्होंने बयान दिया है, भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने स्टार हैं, अभी हाल ही में हमले को लेकर सुर्खियों में आए थे, लगातार उनको लेकर कहा जा रहा है कि अगले साल महाराजगंज से चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी पत्नी लड़ सकती हैं, या फिर बिहार विधानसभा चुनाव में भी उनका जलवा देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर अब खेसारी लाल यादव ने यह बोला है कि राजनीतिक इसको एंगल नहीं दिया जाना चाहिए, हर घर की कहानी है, हर घर में होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लालू जी का परिवार, जिसने पूरे बिहार को 15 से 20 साल तक गोद में लेकर खिलाया है, वो अपने परिवार को बिखरने नहीं देगा और ये परिवार काफ़ी समझदार है और सुलझा हुआ है। सभी लोग इस मामले को अपने स्तर से सुलझा लेंगे और सभी घर वापसी के लिए दुआएं मांग रहे हैं और परिवार वालों के साथ उनके चाहने वाले भी उनकी सलामती के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, ये कहना है खेसारी लाल यादव का। यानी कि एक बार फिर से जाहिर हो गया है कि खेसारी कहीं ना कहीं यादव परिवार के बहुत करीब हैं और जो राजनीति की बातें कही जा रही हैं कहीं ना कहीं वो सच साबित होते हुए खेसारी के बयान से हो रही है। मेरे साथ में सहयोगी काशिफ अली हैं। काशिफ, खेसारी ने तेज प्रताप यादव मामले पर बयान दिया है, वैसे देखा जाए तो हालांकि उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बयान दिया है, लेकिन उनका इतना बोलना, इतना समझदारी वाली बातें कर रहे हैं कि लालू यादव जी का परिवार है काफ़ी समझदार है, क्या लगता है, बहुत ज़्यादा करीबी है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो आपने पूरा बताया जिस तरीके से, वाकई में मुझे लग रहा है कि इनकी जो कुर्बत नज़र आ रही है उस यादव परिवार के लिए, लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए, वाकई में बेहद चौंकाने वाली है कि कैसे खेसारी लाल यादव जिस तरीके से अब अपनी दिखा रहे हैं कि नज़दीकियाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो है गायत्री जी 2019 का चुनाव नज़दीक है और इस वक्त जो है हर कोई कहीं ना कहीं किसी तरीके से राजनीतिक रोटियाँ सेकने के चक्कर में है, और मुझे लग रहा है कि इस वक्त जिस तरीके से ये इमोशनली परिवार से अटैच होने की ज़रूरत पड़ रही है खेसारी लाल यादव को, कि भाई इस वक्त जो है लोगों को ये दिखाया जाए कि भाई देखिए बिहार का ये लालू परिवार इस वक्त मुश्किलों में है और खेसारी लाल यादव उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त नीतीश सरकार को लेकर लोगों में गुस्सा है और हो सकता है कि 2019 में चुनाव में RJD अच्छा प्रदर्शन करे, तो इस वजह से वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं खेसारी लाल यादव, इसलिए इस परिवार से नज़दीकियाँ बढ़ाई जा रही हैं और इस नज़दीकियों का फ़ायदा उनको मिलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि उनको टिकट भी मिल जाता है कहीं चुनाव से कहीं के क्षेत्र से लड़ने का, तो उसका फ़ायदा भी खेसारी को मिलेगा, लालू को परिवार को ही मिलेगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव भी खुद अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं और वो चुनाव लड़ते हैं तो जीत भी जाते हैं, तो मुझे लगता है बैलेंस बनाने का जो राजनीति चल रही है इस वक्त बहुत अलग तरीके की बिहार राजनीति है। ये वही खेसारी हैं, हालांकि इनकी एक्टिंग, इनकी गायकी की और इनकी इंसानियत की दाद देनी पड़ेगी, निस्संदेह हम देते भी हैं और निस्संदेह फैंस भी बहुत जमकर कमेंट करते हैं इनके लिए, लेकिन जिस तरह से इन्होंने लालू जी के सम्मान में बातें कही हैं, जाहिर सी बातें करीबी है तो सम्मान तो करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ हमेशा ही जहर उगलते हुए देखे गए हैं। और जब बिहार में एक परिवार को गोद लिया था उन्होंने तो कहा था कि जो नेता और अभिनेता इस परिवार को देखने नहीं आता है, जो जनता के दुखों से ताल्लुक नहीं रखता है, उस नेता और अभिनेता को वोट देना बंद करिए, अभिनेता की फिल्म देखना बंद करिए, तो इससे ही साफ जाहिर होता है। हालांकि पीएम मोदी के खिलाफ भी या कहें इनडायरेक्टली तौर पर भी खेसारी अपना एक वक्तव्य जो है दे चुके हैं, बयान दे चुके हैं। कुल मिलाकर लालू यादव की जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है और नीतीश कुमार इनको कह रहा था कि पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि पूरी तरह तय हो रहा है कि RJD ही पक्की पार्टी है इनके लिए। बिल्कुल गायत्री जी, पक्का तो हम कह दिया है, बिल्कुल मोहरी मान लीजिए लग गई एक तरीके से, क्योंकि
जाहिर सी बात है कि आपको राजनीति में कदम रखने से पहले एक का अच्छा होना पड़ता है और एक का बुरा होना पड़ता है, और खेसारी लाल यादव इसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं। वो अच्छे तो बन गए हैं लालू प्रसाद यादव परिवार के, और जिस तरीके से लालू का परिवार इस वक्त मुश्किलों का सामना कर रहा है, लालू प्रसाद खुद बीमार हैं, बेटा जो है इस वक्त तलाक दे चुके हैं और वो भी कहीं ना कहीं दूर हैं, तो उसको लेकर अब वो अच्छा बनने की जो इस वक्त ज़रूरत है, परिवार को भी चाहिए कि भाई खेसारी लाल यादव जैसे सरीखे अभिनेता जो है वो उनके साथ की ज़रूरत है, ताकि लोगों से एक वाद संवाद होता रहे। तो जिस तरीके से आज लालू परिवार देख रहा है कि खेसारी लाल यादव आज उनके बुरे वक्त में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो इसका हम पूरा राजनीतिक जो समीकरण बना रहा है वो यही बना रहा है कि 2019 पे पूरा निशाना है, मुझे लगता है खेसारी लाल यादव का, कि लालू का परिवार तो एक बहाना है बल्कि 2019 पे निशाना लगाना है। लालू यादव का परिवार एक बहाना है, दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में खुद की रोटी को भुनाना है, शायद यही वजह है। और काशिफ का अंदाजा और आकलन कितना सही होगा फिलहाल वो तो अगले साल देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ जिस तरह से खेसारी लाल यादव की करीबी हमेशा ही देखी गई है, अभी हमने आपको बताया भी था कि यादव जो उनके नाम के आगे लगा, हालांकि हम जाति धर्म की बात नहीं करते लेकिन हमारे देश में ये एक विडंबना है कि जाति धर्म के आधार पर ही पार्टियां जो हैं जीतती हैं, नेता भी इसीलिए विधायक और एमपी बन जाते हैं, तो ऐसे में फिर हम एक पत्रकार के तौर पर तो बात कर ही सकते हैं कि जातियों का जो एक हमारे यहाँ एक जाल बिछा हुआ है, तो अगर यूपी बिहार की बात की जाए तो भाई यहाँ पर तो समझिए जाति और धर्म के नाम पर ही वोट डाले जाते हैं। मैं सबको नहीं कह रही लेकिन हाँ अधिकतर तादाद अगर देखी जाएगी तो ऐसे ही की होती, जिनको पता होता है भाई वो ठाकुर है तो उसको वोट करना है, वो बनिया है उसको वोट करना है, वो दलित का मसीहा है उसको वोट करना है, कोई ये नहीं देखता कि वो इंसान अच्छा है या बुरा, लेकिन हमारी जाति का है हमारा अच्छा करेगा, बस हमें अपने से मतलब है बाकी किसी से मतलब नहीं, ऐसी भी सोच है बहुत से लोग, मैं सबको नहीं कह रही लेकिन ऐसी सोच देखी गई है। और ऐसे में जिस तरह से खेसारी लाल यादव के नाम का यादव लगा है, निरहुआ की करीबी है अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव लगातार जो है अगली परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं, अगले साल उनकी भी बड़ी अग्नि परीक्षा है, बिहार में इस वक्त तेज प्रताप यादव सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, अपने सियासी कार्यकाल को तो अच्छे से बना नहीं पाए, तो ऐसे में अब वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ही काफी चर्चाओं में आ रहे हैं, वृंदावन में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरह से खेसारी का स्टेटमेंट सामने आया है लालू यादव के परिवार को लेकर और तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच काफी तल्खियां बताई जा रही हैं, हालांकि तेजस्वी ये कहते हैं कि इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मीडिया को भी और पारिवारिक मसला है सुलझा लिया जाएगा, तेज प्रताप यादव वृंदावन में बैठे हैं, छठ पूजा में वो नजर नहीं आए, परिवार भी साथ नहीं दे रहा, जबकि खेसारी लाल को अंदर की जानकारी मिल गई है कि विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी के दरबार में 9 दिनों का अनुष्ठान चल रहा है ताकि ऐश्वर्या और तेज प्रताप एक हो जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की पूरी ये जो घटनाक्रम चल रहा है जो सामने आ रहा है, देखिए ये तो पहले तो जो जिस तरीके तेजस्वी यादव ये बात कह रहा है कि इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कहीं से भी ये जायज़ नहीं है कि भाई इंटरफेयर कोई भी नहीं कर रहा है, यहाँ तो बात आप एक बड़े राजनेता का परिवार है, आप कोई भी चीज़ जो होती है वो एक आम होती है, जाहिर सी बात है आपके परिवार में भी अगर कोई भी बात हो रही है तो वो कई चीज़ों पर असर करती है उसका, कि भाई मान लीजिए अगर दो भाइयों में ठीक नहीं चल रहा है या परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है तो उसका तो असर बिहार की राजनीति पे पड़ना तय है, जाहिर सी बात है कि जब एक आप बड़ा परिवार है, राजनीतिक परिवार है, तो आखिर असर क्यों नहीं पड़ेगा, तो मुझे लगता है ये तो बात करना ही बेमानी होगा कि ऐसा नहीं है कि भाई एक बड़ा भाई जो है वो एक मुश्किलों में और छोटा भाई कहे कि भाई इंटरफेयर ना करें, ये बेमानी होगी। दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से इस वक्त बिहार की राजनीति इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके की चल रही है, हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं NDA में शामिल होने के बाद, तो उस वक्त पूरी निगाहें जो बिहार के लोगों की लगातार इस चीज़ पर है कि भाई किसी तरीके से RJD की वापसी कराई जाए ताकि बिहार में कुछ चीज़ें वापसी हो सकें, लेकिन अब जिस तरीके से 2019 के चुनाव से पहले उसी परिवार में इस तरीके के उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे भी कोई एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। अचानक से तेज प्रताप यादव का तलाक लेना वो हमको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल शादी कर ली, कहते हैं कि मैं देसी सीधा सादा सिंपल लड़का, वो पढ़ी लिखी लड़की, तो जब आपकी शादी तय हो रही थी तब आप कहाँ थे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने गायत्री जी कि भाई अगर आप, जाहिर सी बात है कि आप एक बड़ा परिवार है, राजनीतिक परिवार है, बिहार का एक रसूख वाला परिवार है आपका, और आप एक शादी आपके वहाँ होती है, आप एक लड़की को चुनते हैं, खुद चुनते हैं, फिर उसके बाद आपको उस वक्त नजर नहीं आता है कि वो एक शिक्षित लड़की। ये तेज प्रताप ने बोला था कि मेरी तो सियासी फायदे के लिए शादी करवाई गई है और ऐश्वर्या ने अपने पिता के लिए टिकट मांगा था, वो विधायक तो है ही लेकिन अब उन्हें टिकट चाहिए सांसद पे, सांसद
के तौर पर इसी बात पर दोनों के बीच गहमा गहमी हुई सब। अगर ऐसा था तो मुझे लगता है कि उनके माता पिता उनसे ज्यादा उम्र दराज है, उनको ज्यादा अनुभव है, तो फिर ये बातें कैसे निकल गायत्री सामने जी? देखिए, अगर तेज प्रताप ये बातें जो कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा था, राजनीतिक फायदा उठाया गया और इस तरीके का, तो आपको तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपको तो तभी, जब ये बातें आज तो आई नहीं होंगी, जब ये आपके सामने आई होंगी तभी आपको शादी से पीछे हट जाना चाहिए था। तो कम से कम जो बखेड़ा आज हो रहा है, तलाक का जो पूरा मामला चल रहा है, वो तलाक तक नौबत ही नहीं आती जब शादी नहीं होती। अब आपने खुद ही जो है वो ओखली में सिर दे दिया है और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई मूसली से तो डर लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें, तेज प्रताप खुद एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और मैं बार बार कहता हूं कि राजनीतिक परिवार के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा जहीन होते हैं, उनके दिमाग तेज होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी खूंटे से आके बांध दिया गया, तेज प्रताप को हाथ पकड़ के बैठा दिया गया मंडप में। सारी चीजें जब जाहिर थी, उन्हें मना कर देना चाहिए था। कितना भी परिवार आपका प्रेशर बना सकता है लेकिन आपकी शादी जबरदस्ती नहीं कर सकता। जी वाकई शादी जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट जब होता है इंसान को तो शायद वो भारी ही पड़ जाता है और इमोशनली इंसान ब्लैकमेल भी हो जाता है, खासकर देखा भी गया घर परिवार में। खैर, जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने सपोर्ट किया है तेज प्रताप यादव के परिवार को लेकर, कहा है बिहार लालू प्रसाद यादव ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है अपने दोनों बेटों को और इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, अनुष्ठान चल रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं खेसारी के बयान से साफ साबित भी हो रहा है कि तेज प्रताप और ऐश्वर्या शायद एक हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साहिर सी बात है। देखिए, किसी भी परिवार में अच्छा झगड़ा नहीं माना जाता है, झगड़े नहीं होने चाहिए, और खास करके पति पत्नी का रिश्ता तो एक अनमोल रिश्ता होता है। और ऐसे में हम भी यही कामना करते हैं, पूरा बिहार पूरा देश यही कामना कर रहा है कि भाई तेज प्रताप और ऐश्वर्या को वापस अपने रिश्ते में आ जाना चाहिए, और जिस तरीके अनुष्ठान किए जा रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है। पारिवारिक मामला जरूर है, लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते, पारिवारिक मामला होने के साथ साथ एक राजनीतिक परिवार भी है, हम इस चीज़ को नहीं बताते, क्योंकि हम राजनीतिक परिवार को देखकर काफी कुछ सीखते भी हैं, कुछ अच्छा भी करते हैं, कुछ गलत भी करते हैं, और हम एक वो सोशल, एक सामाजिक वो हस्ती हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पर्सनल, उनकी भी पर्सनल लाइफ नहीं होती है, अच्छी और हर एक बुरी बात का फर्क पड़ता है। हम अगर देखा जाए सलमान खान अगर कोई हेयर कट करा लेते तो लोग उसको फॉलो करने लग जाते, तेरे नाम फिल्म आई थी, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक घराने में है तो आप तो चर्चाओं में बनेंगे, आपको मीडिया टीआरपी दे रहा है आपके अच्छे कामों के लिए, जाहिर सी बात है आपकी पर्सनल विटम्बों में तो मीडिया आएगा ही आएगा, और आप खुलकर जब मीडिया के सामने आ रहे तो जाहिर सी बात है मीडिया तो उसमें मीडिया को दोष देना कहीं से भी सही नहीं बनता। फिलहाल खेसारी लाल यादव के बयान से साफ जाहिर रहा है कि कहीं ना कहीं जो है उनकी यादव परिवार से जो नजदीकियां हैं वो अब चुनाव के रूप में या फिर कहें एक सियासी रिश्ते के तौर पर तब्दील हो सकती हैं, और अगले साल वो आरजेडी की टिकट पर शायद चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा उनके बयान से साफ साबित भी हो रहा है कि ऐश्वर्या और तेज प्रताप को एक करने के लिए जिस तरह से राबड़ी देवी का परिवार लगा हुआ है, कहीं ना कहीं उन्हें अंदरूनी जानकारी भी है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कितने करीब है, और साथ ही साथ हो सकता है कि तेज और ऐश्वर्या एक हो जाए, हालांकि जो है इसमें आगामी दिनों में सुनवाई होने वाली है दोनों के मसले पर, फिलहाल हो सकता है कि उससे पहले ही कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि खेसारी के बयान से तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है। नमस्कार।